हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट ड्राइंग, द व्हील ऑफ कलर, डे 4। टेक योर ड्राइंग बुक एंड ओपन इट। पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 के ऊपर हमें व्हील ऑफ कलर दिया है, जिसके अंदर हमें प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शियरी कलर करने हैं। यहाँ पर हमें खाली व्हील दिया है, जिसके अंदर हमें दिए गए व्हील्स में से देखकर कलर्स करने हैं। यहाँ सर्कल में हमें फर्स्ट सर्कल के अंदर जो 3 कलर दिए हैं वो प्राइमरी कलर है, यानी मेन कलर। इन प्राइमरी कलर को मिक्स करके हम नए कलर बना सकते हैं, जैसे कि रेड एंड येलो। तो रेड एंड येलो को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर बनेगा। येलो एंड ब्लू को मिक्स करते हैं तब ग्रीन कलर बनता है। रेड एंड ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तब पर्पल कलर बनता है। ये ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल सेकेंडरी कलर्स है। इसके बाद बाहर वाला जो व्हील सर्कल है उसमें चिली ग्रीन, स्लेट कलर एंड ब्राउन कलर, वो टर्शियरी कलर है जो ऑरेंज एंड ग्रीन से बनते हैं। ऑरेंज एंड ग्रीन से चिली ग्रीन बनता है। ग्रीन एंड पर्पल से स्लेट कलर बनता है। और ऑरेंज और पर्पल कलर को मिक्स करेंगे तब ब्राउन कलर बनता है। हमें राइट साइड पर दिए गए सर्कल के अंदर कलर्स करने हैं, जिसके लिए हमें पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स कलर या फिर वाटर कलर यूज़ करने हैं। लेकिन हम बुक के अंदर क्रेयॉन्स कलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्केच कलर से पेज के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और वाटर कलर भी हम इस बुक में नहीं करेंगे। हमें क्रेयॉन्स कलर लेने हैं। चलिए कलर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राइट साइड पर हमें जो सर्कल दिया है उसमें से देखकर हम सबसे पहले फर्स्ट सर्कल के अंदर प्राइमरी कलर करेंगे, जिसके अंदर हमें रेड, ब्लू और येलो कलर यूज़ करना है, जो हमारे प्राइमरी कलर्स है। इन कलर्स को मिक्स करके हम अलग कलर, नए कलर बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस बॉक्स में रेड कलर करेंगे। हम क्रेयॉन्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वाटर कलर का यूज़ करेंगे तो हमारी बुक का पेज जो है वो गंदा हो जाएगा, पीछे की तरफ स्प्रेड हो जाएगा। इसीलिए हम बुक के अंदर क्रेयॉन्स कलर यूज़ करेंगे। इस तरह से सबसे पहले बॉर्डर के ऊपर कलर करेंगे, उसके बाद अंदर की तरफ कलर कर देंगे। कलर को डार्क कीजिए। रेड कलर करने के बाद सेकंड बॉक्स में हमें येलो कलर करना है। हम येलो कलर करेंगे सेकंड बॉक्स के अंदर। पहले हम बॉर्डर में कर लेंगे, ताकि हमारा कलर लाइन के बाहर नहीं निकलेगा। स्लोली स्लोली करिए, ताकि आपका कलर अच्छे से हो। इस तरह स्लोली स्लोली पूरे बॉक्स के अंदर कलर कर दीजिए। येलो कलर एक प्राइमरी कलर है,
येलो कलर के अंदर हम बाकी के कलर मिक्स करेंगे तो हमें एक नया कलर मिलेगा। इसके बाद थर्ड बॉक्स के अंदर हम ब्लू कलर करेंगे। ये तीन हमारे प्राइमरी कलर है, मेन कलर है, क्योंकि ये कलर किसी भी कलर को मिलाने से नहीं बनते हैं, लेकिन इन तीनों कलर को मिलाने से हम नए नए कलर बना सकते हैं। वो हम सेकेंड सर्कल जो है उसके अंदर करेंगे, वो सेकेंडरी कलर है। और ये तीन जो कलर है, रेड, येलो एंड ब्लू, प्राइमरी कलर है, मेन कलर है। इस तरह से पूरी जगह में डार्क कलर कर दीजिए। इसके बाद हम सेकेंडरी कलर के लिए रेड और येलो कलर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले येलो कलर करेंगे। येलो और रेड को मिक्स करने से ऑरेंज कलर बनता है। अगर हम वाटर कलर में येलो एंड रेड कलर मिक्स करेंगे तो हमारा ऑरेंज बन जाएगा। क्रेयॉन से इसीलिए हम सबसे पहले येलो कलर कर देंगे और येलो कलर करने के बाद उसके ऊपर रेड कलर करेंगे। ये हमारा येलो कलर कंप्लीट हो गया। अभी हम येलो के ऊपर रेड कलर करेंगे ताकि हमारा ऑरेंज कलर बनेगा इस तरह से। पूरी जगह में कलर कर दीजिए। ये हमारा ऑरेंज कलर बन गया। अभी हम येलो एंड ब्लू को मिक्स करेंगे जिससे हमारा ग्रीन कलर बनेगा। सबसे पहले हम येलो कर देंगे। पूरी जगह में येलो कलर कर देंगे। येलो कलर करने के बाद येलो के ऊपर हम ब्लू कलर करेंगे ताकि येलो एंड ब्लू मिक्स हो जाए। अभी येलो के ऊपर ब्लू करिए ताकि हमारा ग्रीन कलर बनेगा। देखिए आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये क्रेयॉन्स है इसीलिए थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। अगर आप वाटर कलर को मिक्स करोगे तो बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर बन जाएगा। इसी तरह पूरी जगह के अंदर हम कलर कर देंगे। ये हमारा ग्रीन कलर रेडी हो गया। इस तरह से अभी ब्लू कलर और रेड कलर को मिक्स करेंगे जिससे हमारा पर्पल कलर बनेगा। पहले हम ब्लू कलर करेंगे और उसके ऊपर रेड करेंगे ताकि हमारा ब्लू एंड रेड कलर मिक्स हो जाए। पूरी जगह में इस तरह ब्लू कलर कर लेंगे। अभी ब्लू कलर के ऊपर हमें रेड कलर करना है ताकि दोनों कलर मिक्स होके हमें हमारा जो पर्पल कलर है वो बनेगा। अभी हल्के हाथों से रेड कलर करेंगे जिससे पर्पल कलर बनेगा। क्रेयॉन्स है तो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन वाटर कलर में दोनों कलर मिक्स करने से
एकदम पर्पल कलर बन जाता है। इस तरह से पूरी जगह में हम रेड कलर कर देंगे, जिससे हमारा हल्का हल्का पर्पल कलर दिखता है। ये हमारे सेकेंडरी कलर में पर्पल कलर बना है। इसके बाद ऑरेंज और पर्पल कलर को मिक्स करेंगे, जिससे हमारा ब्राउन कलर बनेगा। अभी बाहर का जो सर्कल है वहाँ पर हमें इस तरह से पहले ऑरेंज कलर कर देना है। ऑरेंज कलर करने के बाद उसके ऊपर हम हल्के हाथ से पर्पल कलर करेंगे। जिससे हमारा ब्राउन कलर बनेगा। ये तीन कलर टर्शनरी कलर है, थर्ड नंबर के कलर है, जो इन कलर को मिक्स करने से बनते हैं। इस तरह से हमारा ब्राउन कलर बनेगा ऑरेंज कलर और पर्पल कलर को मिक्स करने से। उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज भी कर देंगे। देखिए हमारा ये ब्राउन कलर दिख रहा है, ऑरेंज एंड पर्पल एकदम मिक्स हो गए हैं। ये हमारा ब्राउन कलर रेडी हो गया। इस तरह से अगर आपका कलर बराबर नहीं दिख रहा है तो दोनों कलर को एक बार फिर से घिस दीजिए, ताकि आपका कलर बन जाएगा। इसी तरह हम बाकी के दो कलर करेंगे, जिसमें हमें पर्पल और ग्रीन कलर मिलाना है। इन दोनों को मिक्स करने से हमारा स्लेट कलर बनता है, यानी ग्रे जैसा कलर। पहले हम यहाँ पर ग्रीन कलर कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कलर बराबर नहीं बैठ रहा है तो दोनों कलर को एक बार फिर से इस तरह से कर दीजिए, तो आपका कलर बन जाएगा। क्रेयॉन में इफ़ेक्ट थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि वाटर कलर में जो हम कलर मिक्स करते हैं वो एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। जिसमें हमें डार्क चाहिए तो डार्क बन जाएगा, लाइट चाहिए तो लाइट कलर बन जाएगा। अभी इस तरह से पूरा ग्रीन करने के बाद ग्रीन कलर के ऊपर हम पर्पल कलर करेंगे, ताकि ग्रीन एंड पर्पल मिक्स हो जाए, जिससे हमारा स्लेट कलर बनेगा। अभी पर्पल कलर करेंगे। थोड़ा सा डार्क करेंगे। अगर आपका कलर बहुत लाइट दिख रहा है तो पर्पल के ऊपर वापस ग्रीन कलर कर देना, जिससे आपका स्लेट कलर बन जाएगा। इस तरह से पूरी जगह के अंदर हमें ग्रीन और पर्पल कलर करना है। दोनों कलर अच्छे से मिक्स करने हैं। पूरी तरह से हमारा स्लेट कलर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम वाटर कलर में मिक्स करेंगे तो हमारा स्लेट कलर ग्रे कलर बन जाएगा। इसलिए हम इस तरह से कलर दो बार करेंगे, जैसे कि पर्पल किया हमने, ग्रीन भी किया। इस तरह से इसके बाद अभी हमें चिली ग्रीन बनाना है, जिसके लिए ग्रीन और ऑरेंज कलर चाहिए। पहले हम ऑरेंज कलर करते हैं।
बॉर्डर पर करिए ताकि आपका कलर बाहर ना निकले, इस तरह से। कलर करते समय अच्छे से ध्यान रख के कलर कीजिएगा और स्केच पेन का यूज़ मत करिए, क्रेयॉन्स का ही यूज़ करिए, क्योंकि पीछे की तरफ स्प्रेड हो जाएगा तो आपका पीछे का पिक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमें क्रेयॉन ही यूज़ करने हैं। पूरा ऑरेंज कलर करने के बाद इसके ऊपर हम ग्रीन कलर करेंगे। इससे हमारा चिली ग्रीन कलर बनेगा। ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर को मिक्स करने से जिसे चटनी कलर भी कह सकते हैं। इस तरह से दोनों कलर मिक्स हो गए हैं और ये हमारा चिली ग्रीन कलर बन गया है। फिर से थोड़ा ऑरेंज कर देंगे ताकि आपका कलर एकदम मिक्स हो जाए और चिली ग्रीन कलर अच्छे से दिखेगा। ये आपका कलर व्हील रेडी हो गया है। इससे आप जब भी ड्राइंग करोगे तो आपको कलर मिक्स करने में आसानी रहेगी ताकि आपका कलरफुल पिक्चर बन जाए। इस तरह से दो दो कलर मिक्स करने से हमें नए कलर मिल जाएंगे। होमवर्क, ड्रॉ एंड कलर इन योर ड्राइंग बुक। आपको ये कलर व्हील अपनी प्लेन ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको वाटर कलर यूज़ करना है। थैंक यू।